अगर आप मनोना धाम से बहुत अधिक दूरी पर हो और मनोना धाम आने में असमर्थ हो, लेकिन श्याम जल की आपको बहुत अधिक आवश्यकता है, आप किसी अन्य व्यक्ति से श्याम जल मंगा लेते हो कोरियर के द्वारा या स्वयं उसके द्वारा, और वो जल आपको फायदा करे या ना करे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये सब जानने के लिए बने रहें हमारी इस वीडियो में। आज हम श्याम जल का, जो आप कोरियर से मंगवाते हैं किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, उसका हम पूरा खुलासा करने जा रहे हैं। जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर, आज की इस स्पेशल वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, अभी हम कुछ दिन पहले ही मनोना धाम गए थे तो हमें वहां पर बहुत सारी जानकारियां मालूम पड़ी। वो जानकारियां क्या क्या थी, एक एक करके हम आपको शेयर करना चाहते हैं। एक व्यक्ति मनोना धाम में आता है और कई सारी श्याम जल की बोतलें बहुत अधिक मात्रा में वहां से लेकर जाता है। किसी सेवादार के द्वारा पूछने पर कि इन बोतलों का आप क्या करोगे, इतनी सारी बोतलें आप स्टॉक लेकर जा रहे हो पूरा, तो उस भाई ने जो बात कही वो बड़ी ही चौंकाने वाली थी। उसने उस सेवादार से ये कहा कि ये बोतलें अलंकार भैया के द्वारा सप्लाई की जाती हैं अन्य अन्य स्टेटों में, अन्य अन्य शहरों में। जब हम मनोना धाम गए एकादशी पर तो हमको ये जानकारी हुई तो हम दंग रह गए, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी प्रकार का ऐसा काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमें मनोना धाम से कोई भी अनुमति अभी श्याम जल भिजवाने की किसी भी प्रकार से नहीं है और ना ही किसी सेवादार को है। माननीय महंत जी स्वयं कहते हैं कि जिसको श्याम जल की अभी अत्यंत आवश्यकता है वो श्याम जल लेने के लिए मनोना धाम में आ सकता है, बाबा के दर्शन भी करें और श्याम जल भी लें। अब हमने आपको शुरुआत में एक बात कही कि आपको वो फायदा करे या ना करे श्याम जल, जो कि आप किसी अन्य व्यक्ति से हायर कर रहे हो, उससे मंगवा रहे हो, चाहे वो कोरियर के माध्यम से हो चाहे स्वयं उसके माध्यम से हो। देखिए भाई, ये श्याम जल है, श्याम जल एक बोतल में आता है, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति ने श्याम जल मंगवाया या कोई भी, क्योंकि इस समय हमने ये देखा और ये महसूस किया है कि श्याम जल की आड़ में कई सारे बिजनेसमैन मनोना धाम में काम करने लगे हैं, जो आपसे सीधा सीधा संपर्क करेंगे, आपसे फोन करके पूछेंगे या फिर किसी अन्य के द्वारा ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई इसका नंबर भी ग्रुप में ऐड कर लो, तो हमारे भी ग्रुप चल रहे हैं, एक मेरे श्याम प्यारे मनोना धाम ग्रुप चल रहा है और भी मनोना धाम के बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। ऐसे लोग इन ग्रुपों में भी सक्रिय हो चुके हैं, जो कि आपसे फ़ोन करके पूछेंगे या आपसे संपर्क बनाएंगे या फिर श्याम जल की आपको अत्यंत आवश्यकता महसूस कराएंगे। तो सामने बैठा हुआ, दूर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको श्याम जल की अत्यंत आवश्यकता है, वो आपसे जरूर रिक्वेस्ट करेगा कि भैया प्लीज़ हमारे लिए चार बोतल श्याम जल की मंगवा दो या भिजवा दो। अब मान लीजिए उस व्यक्ति ने चार बोतल श्याम जल ना भिजवा कर एक साधारण नल का जल भिजवा दिया आपके यहाँ, और आपके यहाँ तो जब कोरियर आएगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, आपके घर में अगर कोई बीमार है तो श्याम जल पर टिकी हुई हैं, श्याम बाबा मनोना धाम और महंत महाराज जी की आस्था के ऊपर टिकी हुई हैं कि श्याम जल आएगा और हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, हमारे घर में बीमारियाँ दूर होंगी, आपके जो भी सगे संबंधी हैं वो स्वस्थ होंगे। लेकिन होता क्या है प्यारे दोस्तों, वो आता श्याम जल है लेकिन असल में क्या होता है, उस श्याम जल में कुछ और ही भरा होता है बोतल में। क्या आप देख रहे हैं उसको कि वो श्याम जल है या कोई और जल है या उसके घर का जल है वो?
अब आपने तो पूरी श्रद्धा भाव के साथ वो श्याम जल पिलाया, लेकिन वो वास्तव में फायदा नहीं दिया उस श्याम जल ने, तो क्या होगा? आपके मन में जो आस्था है, आपके मन में जो विश्वास है मनोरा धाम के प्रति, श्याम जल के प्रति या महंत महाराज जी के प्रति, वो आस्था हल्के हल्के समाप्त होती जाएगी, क्योंकि श्याम जल से आपको 1% भी लाभ उससे नहीं होगा, क्योंकि वो दरअसल श्याम जल है ही नहीं, वो श्याम जल की बोतल में भरा हुआ कोई अन्य जल है। और यदि आप ज़्यादा उत्सुक होकर श्याम जल मंगवा लेते हैं किसी अन्य व्यक्ति से, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी यदि वो जल आपको लाभ नहीं दे रहा तो। इसलिए सबसे ज़्यादा उचित यही है, आप मनोरा धाम आए। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो तो मनोरा धाम आ सकते हो। मरुण धाम इतनी दूर नहीं है कि आप आ ना सको, क्योंकि जब हम अस्वस्थ होते हैं, जब हमें गंभीर समस्याएं, गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं, तो हम विदेश में भी जाने को तैयार हो जाते हैं अपने इलाज के नाम पर। तो मरुण धाम कौन सा अधिक दूर है? आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आएं, और कोई भी व्यक्ति अगर मेरे नाम से श्याम जल की कह रहा है आपसे, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, आप बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि हम किसी को श्याम जल अभी हम नहीं भेज रहे हैं, और ना ही मनोरा धाम की तरफ से कोई भी आदेश अभी जारी हुआ है। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी ही माननीय महंत जी की तरफ से एक श्याम जल ऑनलाइन भिजवाने का आदेश जारी हो सकता है, क्योंकि कुछ लाइसेंस हैं श्याम जल के लिक्विड, जब हम किसी स्टेट में या किसी अदर कंट्री में भिजवाते हैं तो उसके बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। वो अभी लाइसेंस अभी इनकम्प्लीट होने के कारण माननीय महंत जी अभी किसी को भी श्याम जल भिजवाने के लिए असमर्थ हैं। आप उस समस्या को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास भी दिन भर में 50 या 100 फोन इसी बात के आते हैं कि भैया हमको श्याम जल भिजवा दीजिए। तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भाई इसलिए आप हमें फ़ोन बिल्कुल ना करें, क्योंकि श्याम जल हम भिजवाने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि आप भी परेशान होते हो, आप भी एक उम्मीद के साथ हमें फ़ोन करते हो कि भैया श्याम जल हमें भिजवा दो, और हम आपसे मना करें तो आपका दिल दुखता होगा निश्चित रूप से। जिस दिन महंत जी का आदेश जारी हो जाएगा श्याम जल के प्रति, जिस दिन सभी लाइसेंस कंप्लीट हो जाएंगे, और उस दिन हम आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर आपको अवगत कराएंगे कि श्याम जल मिलने लगा है। और मेरा एक बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना है उन सभी श्याम प्रेमियों से जो हमें फ़ोन करते हैं, अगर हम आपका फ़ोन ना उठा पाएँ तो हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कृपया आप बुरा ना माने, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं, हम मैक्सिमम फ़ोन उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जितनी क्षमता हमारे अंदर रहती है जब हम फ्री रहते हैं उतना हम फ़ोन रिसीव भी करते हैं, लेकिन 100% फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, ये हमारी कुछ अपनी मजबूरी है। आपको अगर मनोरा धाम की कृपा प्राप्त करनी है, अगर बाबा श्री श्याम के दर्शन करने हैं, महंत महाराज जी का आशीर्वाद लेना है, श्याम बाबा का आशीर्वाद लेना है, मनोरा धाम की कृपा प्राप्त करनी है, तो आप सीधे सीधे मनोरा धाम आओ, आपको फ़ोन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ़ोन से या ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हल नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का समाधान तभी होता है जब हम सीधे सीधे उस स्थान पर पहुँचते हैं जो कि एक दिव्य स्थान है, जहाँ बाबा श्री श्याम साक्षात विराजमान हैं और महंत महाराज जी के हाथों जहाँ पर लगातार चमत्कार हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियाँ दूर हो रही हैं मनोरा धाम में, जिसका कोई भी इलाज कहीं पर भी नहीं है, देश दुनिया में जिसका इलाज नहीं है। लोग एम्स अस्पताल जैसे बड़े हॉस्पिटलों से आते हैं मनोरा धाम में एम्बुलेंस और वेंटिलेटर से, उनके साथ भी बाबा की लाइव कृपा होती है। यदि आपको कृपा प्राप्त करनी है, मनोरा धाम का आशीर्वाद लेना, तो सीधे आप मनोरा धाम आओ, फोन करने का ऐसा कोई भी विशेष कारण नहीं होता है मेरे ख्याल से। और हाँ, एक हम जानकारी आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण और भी देने जा रहे हैं, जानकारी 100% आप सुन के जाइए, क्योंकि आप भी हो सकते हैं उसका शिकार। सोशल मीडिया पे बहुत सारे बिजनेसमैन सक्रिय हो चुके हैं जो कि मरोना धाम के नाम से
ग्रुप बना रहे हैं, मनोना धाम के नाम से फेसबुक आईडी बना रहे हैं और लिख रहे हैं मनोना धाम की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इस नंबर पर संपर्क करें। मनोना धाम का अगर आपको चमत्कार चाहिए तो हमें इस व्हाट्सएप पर या फिर इस बार कोड पर इतना पेमेंट आप यहाँ पर डालें, आपको आपके साथ भी होगी मनोना धाम की कृपा और आपको मिलेगा एक मनोना धाम का दिव्य ताबीज, आपको मिलेगा मनोना धाम का एक दिव्य ताबीज, आपको मिलेगा मनोना धाम की तरफ से कुछ अद्भुत रहस्यमय चीजें जिससे आपके साथ में चाहे वो कोई भी समस्या हो सारी समस्याएं दूर होंगी। तो अक्सर भक्त लोग क्या करते हैं, ऐसे जब फेसबुक पर मैसेज देखते हैं या फिर कोई पोस्ट देखते हैं तो वो लालायित हो जाते हैं और चाहते हैं कि सबसे पहले हमें कृपा प्राप्त हो जाए। सबसे पहले के चक्कर में वो एक्चुअल में क्या होता है, वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए भी लोगों के ठग लिए हैं इन बिजनेसमैनों ने और उनके साथ में कोई भी बाबा की कृपा भी नहीं हुई। तो आप लोग इस प्रकार का शिकार ना हो, आप लोग इन समस्याओं से बच सके, हमारी इस वीडियो बनाने का आज यही उद्देश्य है। श्यामजल आप किसी से ना मंगवाएं, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको श्यामजल अगर लेकर आ रहा है तो वो क्या लेकर आ रहा है श्यामजल की आड़ में, जिसका कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। या तो आप अपने बहुत अधिक परिचित से जो आपका बहुत ही क्लोज हो या आपके घर का कोई सदस्य हो उससे मंगवाएं, लेकिन किसी बीच के थर्ड पर्सन से आप श्यामजल ना मंगवाएं और आप हमसे भी ना कहें श्यामजल भिजवाने के लिए। अगर आपको श्यामजल की नीड है, आप देश दुनिया में कहीं रहते हैं, आप अगर नहीं आ पा रहे हो मनोना धाम, तो आप अपने किसी सगे संबंधी को भेज दीजिए या आपका बहुत क्लोज व्यक्ति हो वो उसको वहाँ भेज दीजिए। मनोना धाम में आकर महंत महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए, उनसे टच करा लीजिए उस श्यामजल को, निश्चित रूप से उसे पिलाइए। जिसको श्यामजल की आवश्यकता है वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और एक प्रश्न जो कि श्याम भक्त श्याम प्रेमी बहुत अधिक मात्रा में पूछते हैं श्यामजल से संबंधित, कि श्यामजल हमें कितनी बार पीना चाहिए। तो प्यारे साथियों, श्यामजल हमें दिन में एक बार पीना चाहिए और दिन में 11:30 से पहले पहले का समय है इसका, आप नहा धोकर फ्रेश होकर 11:30 बजे तक श्यामजल पी लो। और दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी आता है, अगर हम बहुत दूर रहते हैं श्यामजल हमारे पास से ख़त्म हो जाता है तो क्या उस श्यामजल की बोतल में हम कोई और जल भी मिला सकते हैं क्या? तो आप लोग इसका भी उत्तर समझ लीजिए, श्यामजल में कोई भी जल मिलाना वर्जित है, फिर उसका प्रभाव उतना अधिक नहीं रहेगा जितना कि श्यामजल प्रॉपर तरीके से काम करता है। मैं समझता हूँ श्यामजल से संबंधित काफ़ी जानकारियाँ आपको मिल चुकी होंगी। और कैसी लगी प्यारे साथियों हमारी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, बाबा का नाम जरूर लिखें कमेंट में और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो और वो भी बच सके इस ठगी से। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की। पूरी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका।